मेरे बड़ा को, बेटा आज तैयार हो जाइए ग्राफ्स पर कमांड करने के लिए। बेटा बहुत से बच्चों को ग्राफ में बड़ी दिक्कत रहती है कि इस ग्राफ को कैसे हैंडल करें, कि इसको कैसे करें। तो मेरे बेटा आज मैं आपको कराऊंगा पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दुनिया में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप छोड़ के नहीं आओगे ग्राफ का, और साथ में न्यूटन्स इक्वेशन का प्रूफ ग्राफ की हेल्प से। तो मिलते हैं 30 सेकेंड बाद। पोजीशन x इज इक्वल टू 2 पर, अब मैं आ गया x इज इक्वल टू 5 पर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 मीटर। भाई x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 5 पर चला गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 मीटर। कैसे निकाला? दोनों को माइनस करके। मैं खड़ा हूं x इज इक्वल टू 1 पर, अब मैं चला गया x इज इक्वल टू 10 पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरे बेटा? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? दोनों कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से 9 मीटर। कहने का मतलब बेटा ये और कुछ नहीं, दो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, दो पोजीशन का डिफरेंस है। दूसरा, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है बेटा? टाइम ड्यूरेशन होता है दो टाइम इंस्टेंट्स का डिफरेंस। कई बच्चे तो यार टाइम इंस्टेंट और टाइम ड्यूरेशन में अंतर नहीं समझते। एक बात बता, मैं कहूं कि 2 PM पर मिल जाना, तो 2 PM एक पर्टिकुलर मोमेंट का टाइम है, उससे अगले ही मोमेंट 2 PM नहीं रहेगा, उससे आगे निकल जाएगा टाइम। उससे एक सेकंड पहले 2 PM नहीं थे, उससे पहले पहुंच गए। तो कहने का मतलब 2 PM एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आएगा, ना उसके बाद ना उससे पहले। इसे बोलते हैं टाइम इंस्टेंट, टाइम इंस्टेंट। तो 2 PM टाइम इंस्टेंट, 4 PM टाइम इंस्टेंट, 7 PM टाइम इंस्टेंट, 10 AM टाइम इंस्टेंट, ये एक क्षण के लिए आते हैं और चले जाते हैं। अब होता है टाइम ड्यूरेशन। मेरे बेटा टाइम ड्यूरेशन दो इंस्टेंट का डिफरेंस है। जैसे मैं कहूं 10 PM और 11 PM के बीच का टाइम ड्यूरेशन बताओ, तो वो 1 PM थोड़ी कहोगे, 1 आवर बोलोगे ना, ये टाइम ड्यूरेशन है। मैं कहूं 4 बजे और 6 बजे क्या है? टाइम इंस्टेंट। 4 बजे एक खास मोमेंट पर बजेंगे, 6 एक खास मोमेंट पर बजेंगे, यही टाइम इंस्टेंट है। अब मैं कहूं 4 बजे और 6 बजे के बीच का टाइम ड्यूरेशन बताओ, तो वो 2 बजे थोड़ी बोलोगे, 2 घंटे बोलोगे ना, तो ये टाइम ड्यूरेशन है। मेरे बेटा जब आप वेलोसिटी, ये टी क्या है? टाइम ड्यूरेशन, और ये दोनों क्या है? टाइम इंस्टेंट। अब अगली बात सुन, जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यदि मैं पूरा बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब x2 - x1, दो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और टाइम ड्यूरेशन यानी कि दो टाइम इंस्टेंट्स का डिफरेंस। तो मेरे बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लिख सकते हो x2 - x1 / t2 - t1। t1 t2 क्या है बेटा? टाइम इंस्टेंट, और t क्या है? टाइम ड्यूरेशन। x2 - x1 क्या है बेटा? दो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे बेटा मैं शुरू करता हूं ग्राफ के बारे में। पहला नंबर है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आप ध्यान से देखिए मेरे बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ को सबसे पहले समझना सीखो, पार्ट नंबर 1। मेरे बेटा पोजीशन और कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट है। जैसे मैं कहता हूं कि ये पार्टिकल कहां है, तुमने कहा x = 5 पर, उसका कोऑर्डिनेट बता दिया, तो कोऑर्डिनेट बताने का मतलब आपने उसकी पोजीशन बता दी। पोजीशन कोऑर्डिनेट है। तो मान लो कोई बॉडी का ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन को एक्स और टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो t1 टाइम इंस्टेंट पर बॉडी की पोजीशन है x1, t2 टाइम इंस्टेंट पर बॉडी की पोजीशन है x2। कोई बॉडी t1 टाइम पर x1
x1 पोजीशन पे था, t2 टाइम पर x2 पोजीशन पे था, मैं कहता हूं इसका स्लोप यानी कि tan थीटा बताओ। मेरे बेटा स्लोप कहते हैं tan थीटा को, गौर से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालो। मुझे बताइए परपेंडिकुलर x1 से x2 तक, यानी कि परपेंडिकुलर है x2 माइनस x1, ये बेस t1 से t2 तक, तो ये बेस है t2 माइनस t1, तो यानी कि बेटा स्लोप हो गया x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन मेरे बेटा x2 माइनस x1 दो पोजीशन का डिफरेंस, ये तो वास्तव में डिस्प्लेसमेंट है और t2 माइनस t1 टाइम ड्यूरेशन है और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो ये वेलोसिटी है। तो याद रखना tan थीटा यानी कि स्लोप वेलोसिटी है। गौर से सुन, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, सारे ग्राफों की बात नहीं कर रहा हूं। यदि पोजीशन टाइम ग्राफ है तो tan थीटा वेलोसिटी है। अब मैं आपको तीन चार तरह के ग्राफ बना के दूंगा मेरे बेटा। नंबर 1-2 में अब आप देखिए, मान लो मैं आपसे कहूं कि एक कार का पोजीशन टाइम ग्राफ है ये, दूसरी कार का पोजीशन टाइम ग्राफ है ये, कौन सी कार तेज चल रही है, तो तुम जानते हो वेलोसिटी है tan थीटा। इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, इस ग्राफ का स्लोप कम है, यानी ए कार का थीटा ज्यादा है, बी कार का थीटा कम है, तो ए की वेलोसिटी ज्यादा है, बी की वेलोसिटी कम है। थीटा लार्ज तो tan थीटा लार्ज, tan थीटा लार्ज तो वेलोसिटी लार्ज। तो यानी बेटा जिसका स्लोप ज्यादा होता है पोजीशन टाइम ग्राफ में वो फास्ट है। अभी देखते जाओ क्या क्या निकल के आ रहा है मेरे बेटा। मैंने आपसे कहा कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ किस चीज का है, फिर मैंने कहा ये पोजीशन टाइम ग्राफ किसका है, इनको एनालाइज करो। पांचवें नंबर पर मैंने कहा बेटा ये पोजीशन टाइम ग्राफ किस बॉडी का है, किस तरह के मोशन का है, और छठे नंबर पे कहा कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ किसका है। सारे पोजीशन टाइम ग्राफ ध्यान से देखना, नो रेक्टिफिकेशन। मुझे बताओ tan थीटा वेलोसिटी है, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से नापते हैं बेटा, जितना थीटा यहां उतना ही थीटा यहां, उतना ही थीटा यहां, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जब तीनों जगह थीटा सेम तो तीनों जगह tan थीटा सेम, तीनों जगह वेलोसिटी सेम, तो यानी जो वेलोसिटी यहां वही वेलोसिटी यहां, वही वेलोसिटी यहां, तो ये तो केस कांस्टेंट वेलोसिटी का हो गया ना, कांस्टेंट वेलोसिटी का। अब जरा यहां देखो, मैं तुम्हें आम भाषा में बता रहा हूं जिससे कम शब्दों में ज्यादा समझ में आए। शुरू में थीटा है स्मॉल, फिर थीटा बढ़ गया, फिर थीटा और बढ़ गया, आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं तो थीटा बढ़ता जा रहा है, और यदि थीटा बढ़ता जा रहा है तो tan थीटा बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, tan थीटा बढ़ने का स्लोप बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो ये उस चीज का ग्राफ है, उस मोशन का ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये एक्सीलरेशन का ग्राफ है, एक्सीलरेशन है बॉडी में। अच्छा इस वाले को देखो, समझने वाले तो समझ चुके, शुरू में थीटा लार्ज, फिर थीटा स्मॉल, फिर थीटा वेरी स्मॉल। मुझे पता थीटा की वैल्यू घटती चली गई तो tan थीटा घटता चला गया, वेलोसिटी कम होती चली गई, वेलोसिटी कम होती चली गई, तो क्या है रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, जब कोई अपनी स्पीड कम करता है तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है रिटार्डेशन। अच्छा थीटा हमेशा कहां से नापते हैं, एक्स एक्सिस से। अब जरा इसको देख, ये वाला ग्राफ तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है, और यदि इसमें थीटा जीरो है, एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है, तो थीटा जीरो है तो tan थीटा जीरो है, tan थीटा जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो ये रेस्ट का ग्राफ है, ये रेस्ट का ग्राफ है। अच्छा इसे दूसरी तरह से समझ लो, मान लो किसी बॉडी का कोऑर्डिनेट या किसी बॉडी की पोजीशन बदल ही नहीं रही, कोई बॉडी अभी भी x = 2 पर है, थोड़ी देर बाद भी x = 2 पर है, थोड़ी देर बाद भी x = 2 पर है, तो वो तो मोशन में ही नहीं है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, इसका पोजीशन जो यहां है पोजीशन वही यहां है, पोजीशन वही यहां है, और यदि हर जगह सेम पोजीशन है तो मेरे बेटा यानी कि ये मोशन में है ही नहीं, ये तो रुकी हुई बॉडी का ग्राफ है ना बेटा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ देखने में सारे समझ में आने लगे। नेक्स्ट बेटा दो एक में पोजीशन टाइम ग्राफ पूछूंगा, और देखिए 100 में से 90 बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, बस ये याद रखना थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, थीटा यानी कि स्लोप कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी, स्लोप कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, स्लोप जीरो है थीटा जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है। अब मेरे से कोई कहता है एक कार घर से चली, पहले उसने स्पीड बढ़ाई,
फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, फिर ब्रेक मारा और रुक गई। उसका ग्राफ बनाओ, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ। मेरे बेटा जो रटने वाले हैं, देख बेटा तुम्हारे लिए कुर्बानी, लाइट नहीं आ रही तो एसी बंद है, पंखा चला नहीं रहा नहीं तो वीडियो में आवाजें आ जाती हैं, झाए 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 झाए, सारे लाइट पंखे बंद करके एसी चल नहीं रहा है बिना लाइट के, भैया जानते हो भारत का हाल। तो मैं बिल्कुल गर्मी में पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ाई जरूर होगी, तुम भी मन लगा के समझना। मेरे बेटा ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, मैं उसका ग्राफ बना रहा हूं, इसमें वेलोसिटी कार का ग्राफ बना रहा हूं, चलो किसी को समझ। मेरे बेटा कार ने वेलोसिटी बढ़ाई पहले, तो ग्राफ बनेगा ऐसे, फिर कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चला तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, फिर कार ने वेलोसिटी कम करी तो ग्राफ ऐसे आएगा, और फिर कार रुक गई तो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये ग्राफ ओ ए बी सी डी चार हिस्सों में है, ओ से ए तक तुम देख सकते हो स्लोप बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ए से बी तक थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, बी से सी तक थीटा यानी कि स्लोप कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है, और सी से डी तक थीटा जीरो है यानी स्लोप जीरो है तो बॉडी रेस्ट पर है। समझ में आ गया ग्राफ। अब आते हैं बेटा दूसरे नंबर पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब आप सुनिएगा, आपने पोजीशन टाइम ग्राफ में सिर्फ एक बात याद रखनी है, टेन थीटा वेलोसिटी है। पोजीशन टाइम ग्राफ में बस एक बात याद रखना मेरे लाल, टेन थीटा वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अभी निकालते मेरे बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जरा गौर से सुन, ये एक बॉडी का ग्राफ है, है? ये किसी बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो मैं पूछूंगा आप बताना। T1 टाइम पर वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी। T2 टाइम पर वेलोसिटी है v, या v1 v2 कह लो, क्या फर्क पड़ रहा है, वेलोसिटी है v1 और v2। T1 इंस्टेंट पर वेलोसिटी है v1, T2 इंस्टेंट पर वेलोसिटी है v2। मैं तुमसे पूछता हूं कि tan थीटा क्या है, मेरे बेटा जरा देख ध्यान से, tan थीटा क्या है, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, v2 - v1, और v2 - v1 को मैं डेल्टा v लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी, और बेस कितना है इस ट्रायंगल का, बेस है t2 - t1, t2 - t1 को मैं टाइम ड्यूरेशन लिख सकता हूं, तो स्लोप यानी कि tan थीटा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एक्सीलरेशन होता है, तो ध्यान रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में tan थीटा एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में tan थीटा एक्सीलरेशन है। और क्या है वो अभी आगे बात करेंगे, पहले ये तो पता चल गया पोजीशन टाइम ग्राफ में tan थीटा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में tan थीटा है एक्सीलरेशन। अब जरा कुछ केस देख, मैं यदि आपसे कहूं कि बेटा ये ग्राफ किसका है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आप सारे, ये ग्राफ किसका है तीसरे नंबर पर, ये ग्राफ किसका है, और चौथे नंबर पर, भाई आपको तो ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है पहले आज, चौथे नंबर पर ये ग्राफ, सारे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लिखना बहुत जरूरी है, ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसका है जिसमें लाइन यही बनी हुई है। चल शुरू हो जा मेरे बेटा, एक बात बता, जितना थीटा यहां उतना ही थीटा यहां, उतना ही थीटा यहां, तो जो टेन थीटा इधर वो टेन थीटा इधर वही टेन थीटा इधर, यानी ये कांस्टेंट tan थीटा, और tan थीटा है एक्सीलरेशन, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ है, है वेलोसिटी बढ़ रही है ना, पहले वेलोसिटी कम फिर वेलोसिटी ज्यादा फिर वेलोसिटी और ज्यादा, यदि वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये एक्सीलरेशन का ग्राफ है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ है। अच्छा इसमें पहले बता, शुरू में वेलोसिटी लार्ज, फिर वेलोसिटी स्मॉल, फिर वेलोसिटी स्मॉल, तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, वेलोसिटी पहले ज्यादा है फिर कम है फिर और कम है, ये रिटार्डेशन का ग्राफ है। अच्छा इसमें जितनी वेलोसिटी यहां उतनी वेलोसिटी यहां, उतनी वेलोसिटी यहां, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। अच्छा यहां तो बेटा शुरू में भी जीरो वेलोसिटी, यहां भी जीरो वेलोसिटी, यहां भी जीरो वेलोसिटी, तो ये रेस्ट का ग्राफ है।
अब मैं एक पॉइंट और बता करके इसे रोकता हूं अभी के लिए मेरे बेटा। पॉइंट नंबर फाइव, यदि मैं कार वाला ग्राफ दोबारा से बनाऊं, पोजीशन टाइम ग्राफ की बजाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, तो मेरे बेटा कार ने वेलोसिटी, वही वाला केस है, कार ने वेलोसिटी पहले बढ़ाई तो देख वेलोसिटी बढ़ती जा रही है एक्सेलरेशन, फिर वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चली तो जितनी वेलोसिटी यहां उतनी वेलोसिटी यहां उतनी वेलोसिटी यहां, फिर ब्रेक मारा तो रिटार्डेशन हुआ, वेलोसिटी कम हुई और फिर रुक गई, तो रुक गई का मतलब जीरो वेलोसिटी हो गई, तो ग्राफ यहां 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 और यहां जाएगा। तो अब मेरे बेटा, अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए तो सीधे मैं काम की बात बता के न्यूटन इक्वेशन के प्रूफ करा रहा हूं। मेरे बेटा तुम दो चार बातें अपने दिमाग में रखो कि पोजीशन टाइम ग्राफ में टेन थीटा से वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टेन थीटा से एक्सेलरेशन मिलता है। एक चीज जो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो पहले बता रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि आप एरिया निकाल दें तो उससे डिस्प्लेसमेंट मिलता है। बस तीन बातें याद रखो, पोजीशन टाइम ग्राफ में टेन थीटा से वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टेन थीटा से एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया से डिस्प्लेसमेंट। बस ये तीन बातें याद रखना, मैं न्यूटन इक्वेशन के प्रूफ करा रहा हूं। बता बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टेन थीटा से एक्सेलरेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ में टेन थीटा से वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया कैसे किसे बताता है डिस्प्लेसमेंट। चल शुरू करें मेरे बेटा, प्रूफ ऑफ v इज इक्वल टू u प्लस at। सबसे आसान तरीके से सिंपल वर्ड्स का यूज करते हुए, सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हुए मैं आपको इसे करवाने जा रहा हूं। मेरे बेटा ये मेरे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम से करवाना है, पहला प्रूफ शुरू हो गया है। मेरे बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मान लो किसी की वेलोसिटी पहले u है, t टाइम के बाद, t ड्यूरेशन के बाद वेलोसिटी v हो गई। मैं आपसे कहता हूं न्यूटन इक्वेशन नंबर वन का प्रूफ करो। मेरे बेटा मुझे बता बेटा, इनिशियली वेलोसिटी जब मैंने इसे ऑब्जर्व किया क्या थी u, और t टाइम ड्यूरेशन के बाद वेलोसिटी क्या हो गई v। अब मुझसे क्या कह रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ करो। तुम बस एक बात मत भूलना, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तुम बस ये याद रखना कि एक्सेलरेशन टेन थीटा है, टेन थीटा की यानी स्लोप। टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई बताएगा ये परपेंडिकुलर कितना है, तो जवाब है वी में से यू माइनस कर दो, ये पूरा है वी ये है यू, तो वी में से यू माइनस कर दो तो परपेंडिकुलर हो गया वी माइनस यू, और बेस कितना है टाइम ड्यूरेशन। तो बेटा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आगे न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन बेटा, सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ करना है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, इसका प्रूफ भी करूंगा मैं। मेरे बेटा मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यह है वेलोसिटी और यह है टाइम। किसी टाइम हमने जब देखा इनिशियली वेलोसिटी थी यू, टी टाइम के बाद वेलोसिटी हो गई वी। मुझसे कह रहे सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करो, तो मेरे बेटा मैं सिर्फ तुम्हें यह बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एरिया अंडर द ग्राफ है, यानी ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट है। अब एरिया कैसे निकालें, ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है बेटा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि यू प्लस वी इनटू उनके बीच की सेपरेशन टी। अरे 9-10 तो पढ़ी होगी, ये तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो जानते ही हो। तो बेटा ये क्या हो गया हाफ यू प्लस टी। मैंने एक चीज नहीं लिखी, सिर्फ वी तो नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा, वी की जगह यू प्लस ए टी आएगा। अब बेटा अगला स्टेप क्या होगा, हाफ टू यू प्लस ए टी इंटू टी। अब मेरे बेटा इसे हाफ को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हो गया प्रूफ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू सेपरेशन, u प्लस वी इंटू टी का हाफ, v को u प्लस ए टी रख दिया, बाकी तो ब्रैकेट खोल दी तो आ गया सेकंड। अब मैं बेटा थर्ड इक्वेशन का प्रूफ बता रहा हूं। मेरे बेटा थर्ड इक्वेशन का प्रूफ पहले बताओ कौन से ग्राफ से कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मेरे बेटा मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही प्रूफ करूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में के दोनों कंसेप्ट, किसी बॉडी की वेलोसिटी है u, t टाइम के बाद वेलोसिटी है v,
क्या है बेटा पहले वेलोसिटी u, t टाइम के बाद क्या वेलोसिटी है बेटा इसकी v। मुझसे कहा गया ये दोनों एक ही ग्राफ है, मैंने जान के दो बार बना लिए, प्रूफ करते समय मैं जरा अंदर हेरा फेरी करूंगा। मुझसे कहा कि बताओ थर्ड इक्वेशन प्रूफ करो। मेरे बेटा सबसे पहले आप ये बताओ टेन थीटा क्या होता है, एक्सेलरेशन। टेन थीटा कितना है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसे अभी बताया था परपेंडिकुलर तो हो गया वी माइनस यू और बेस हो गया टी, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू किसके बराबर हो गया बेटा at, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड स्टेप डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, और एरिया होता है बेटा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि बेटा v प्लस यू इंटू उनके बीच की सेपरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर होता है एरिया। अब इसे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे हम, v प्लस यू निकाल के छोड़ देंगे, तो v प्लस यू हो जाएगा बेटा 2s अपॉन t, सेकंड इक्वेशन। पहले मैंने निकाला एक्सेलरेशन tan थीटा, उससे आया v माइनस यू की वैल्यू, फिर मैंने लगाया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, और एरिया अंडर द ग्राफ से आ गया v प्लस यू, दिखाई दे रहे। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो मेरे बेटा v माइनस यू इंटू v प्लस यू इज इक्वल टू at इंटू 2s अपॉन t, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। और कई बच्चों का आंसर की खुशबू आ गई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया लेफ्ट साइड, t से t कट गया, रह गया 2s, और आखिरी स्टेप v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये है थर्ड इक्वेशन। अब मेरे बेटा आपका काम है वीडियो दोबारा से पीछे करके दोबारा से देखो, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब कहने का समय आ गया है, बाय बाय मेरे पढ़ाकू। पढ़ाकू किस लिए, लास्ट तक देखा इसलिए।